ये आयशा भी ना, I mean, अभी भी एक्सीडेंट हुआ है लेकिन नहीं, मैडम को वैलेंटाइन डे पार्टी होस्ट करनी है, लाइक सीरियसली। यू नो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है, पर आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आयशा को एक्सपोज करने के लिए। रियली? एक मिनट, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? आयशा को एक्सपोज किस लिए भाई? भाभी, हम तीनों का ये मानना है कि आयशा ना मेमोरी खोने का नाटक कर रही है। आई नो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे कैसे हो सकता है कि उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे वो सब कुछ याद है, सिर्फ आपकी और राम भप्पा वाली बात नहीं याद है। आई मीन हाउ कन्वीनियंट ना, ये कोई हिंदी फिल्म तो नहीं है। सौम्या प्लीज यार, अरे डॉक्टर ने खुद कहा है उसके मेमोरी लॉस के बारे में, एंड आई थिंक तुम लोग ये अपने दिमाग से उल्टी सीधी बातें निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसन, आई नो तुम लोगों को आयशा इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगी? अरे प्रिया कम ऑफ इट, तुम भी अपनी बहन को जानती हो, इससे पहले आयशा और भी बुरी चीजें कर चुकी है, तो तुम क्यों नहीं मान सकती कि वो इस बार भी झूठ बोल रही है? नेहा प्रिया, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये सब करने से सिर्फ आयशा को ही फायदा हो रहा है और किसी को नहीं। आयशा का दिमाग ऐसे ही तो चलता है। एंड प्लीज, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ओवरनाइट आयशा एंजल बन गई है, लाइक ऑल गुडी गुडी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आयशा झूठ बोल रही है और वो इसलिए कर रही ताकि यू एंड भाई फील गिल्टी अबाउट इट। ये सब एक ड्रामा है। अरे तुम लोगों को हो क्या गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? I mean, आयशा जो कुछ भी कर रही है, डोंट फॉरगेट कि वो भी माँ है, खुश भी है, उसके बारे में भी तो सोचो कोई। All I know is कि इस वक्त आयशा इमोशनली बहुत फ्रेजाइल है और हमें उसे वक्त देना चाहिए। गॉड, अब इसे कैसे समझाएं? I don't know. वो हमें लगता है कि आयशा की लाइफ में ना कोई और भी है। What? हाँ भाभी, एक बार ना उसके कपड़ों से मेल परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी आई थी, और फिर हमने ड्राइवर से भी पूछा, वो एक पर्टिकुलर जगह ना काफी जाती है किसी से मिलने। आई डोंट बिलीव दिस। सौम्या तुम क्या बोल रही हो, ये सब कहानियां लिखनी चाहिए तुम्हें? अरे कमाल है यार, मतलब तुमने एक कोई परफ्यूम कहीं पे स्मेल किया चलते फिरते और तुम्हें लगता है कि वो आयशा से रिलेटेड है। एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा है ना तो मैं बहुत खुश हूँ आयशा के लिए, उसे अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है यार। गाइस तुम लोग ना बहुत इस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो और अपने मन से कुछ ना कुछ कहानियां बना रहे हो। आई जस्ट नो कि इस समय आयशा की तबीयत खराब है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, दैट्स ऑल। मुझे बकवास तुम लोगों की और नहीं सुननी है। बस प्लीज यार, गाइस प्लीज। मम्मा, मुझे ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। इम्पोर्टेंट डिसीजन? अच्छा भाई, जरूर हेल्प करूंगी, बताओ क्या हुआ? मम्मा, मैं खुश के पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं? पियू बच्चे, आप कुछ भी पहन लो, आप प्रिंसेस ही लगोगे। पर मम्मा, खुश के घर में तो पार्टी है, वहाँ पे ना मुझे एकदम प्रीटी दिखना है। पर वैसे मम्मा पार्टी क्यों है? पार्टी क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल दिन है, आज वैलेंटाइन्स डे है और हम उस पार्टी में बहुत मजे करेंगे, वो भी मम्मी पापा दोनों के साथ। अरे वाह, मम्मी पापा दोनों के साथ, आज तो बहुत मजा आएगा। गोपाल काका जी, मैं सेलर से वाइन बॉटल्स निकाली। यस मैम। और केक, रेड वेलवेट केक,
ड्राइवर को भेज के याद से बेकरी से मंगवा लीजिए, गेस्ट आने से पहले केक घर में होना चाहिए। ओके मैम। आयशा, हे सदान, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि अगर तुम्हारा फेस ना देखो ना तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हें चोट लगी है। सदामिनी, यू आर मैड। ओह नो, नाउ व्हाट? तुमने हमारा पैक तोड़ दिया। हमने डिसाइड किया था कि हर पार्टी में ब्लू आईलैश लगाएंगे। तुम्हारी लैश कहाँ पर है? आयशा, तुम्हारा ड्राइवर आज आया नहीं तो अगर तुम चाहती हो केक के लिए मेरे ड्राइवर से कह सकते। तुम्हारे सर पे एक बॉल बन गई है तो अगर डिस्को बॉल गिर गई तो दूसरी बन जाएगी। ये पार्टी तक रुकने वाली है? ऑफ कोर्स रुकूंगी। राम की इस पार्टी की सारी तैयारी मैं कर दूंगा, यू जस्ट रिलैक्स। पढ़ाई ठीक से कर नहीं सकता है, पार्टी हैंडल करेगा, तू भी ना। वो आप लोगों ने क्या पार्टी की थी? 50s थीम एंड ऑल। वेल नाउ इट्स टाइम टू पार्टी 2020 स्टाइल। ठीक है, जो करना है कर। ओ यार, ये हार्ट वाले लगाना। ओ मामा जी, आप तो बलून्स के पीछे ही पड़ गए। अरे ये गोल वाले बलून सही रहेंगे मेरे ख्याल। ओ यार, कितनी बार समझाया गोल वाले गोल वाले। ओए आज वैलेंटाइन है, आज हार्ट शेप बलून चाहिए। अरे मामा जी, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? एक पार्टी तो है, कौन सा यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है? ओए दिल की बात है, दिल की सर्जरी से कम नहीं है। I want to thank you all कि आप मेरे बुलाने पर राम और मेरे घर आए। And second thing, वैसे तो वैलेंटाइन्स हर साल आता है लेकिन इस साल का वैलेंटाइन्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार क्या होता है और इसलिए अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी को एक सेकेंड चांस देना चाहती हूँ। राम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव डन। एंड प्रिया दी, थैंक यू सो मच टू यू टू। आई थिंक बहुत सारी सेंटी बातें हो गई हैं, सो एंजॉय द पार्टी। सब नाटक कर रही है। ये क्या, नीचे पार्टी चल रही है और तुम्हें अकेली खड़ी हो? Let me guess, मुझे मिस कर रही थी ना? तुम्हें? क्यों? And just by the way, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, पार्टी एंजॉय करो। अरे तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। Really? तुम्हारे ना वर्ड्स एंड एक्शंस ऐसा लगता नहीं। अभी सॉरी भी नहीं बोला। अरे मैं खुद आ गया हूँ, ये कम है क्या? मैं भी आ। Happy Valentine's Day. हाँ, तुम मुझे दे रहे हो क्योंकि आज की थीम है लव। इट्स ऑल अबाउट लव। हाय। हे
हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिसेस कपूर. हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिस्टर कपूर. मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब बहुत कम इंतजार बाकी है. मैंने कुछ सोचा है. मुझ पर भरोसा है ना? सिर्फ आप पर ही भरोसा है. आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? जरूर मेरे लिए वैलेंटाइंस कोई प्लान होगा, राइट? क्या सरप्राइज है, प्लीज बताओ ना. यस आयशा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान कर रहे थे, लेकिन पार्टी के बाद ही मिलेगा. प्लीज बताओ ना, इतनी देर तक वेट. सरप्राइज इज सरप्राइज, पार्टी के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर. मुझे नहीं पता. ओके एवरीवन, टाइम टू हैव सम फन. आई थिंक हम कोई गेम खेलते हैं ना, लाइक लोड़ी पार्टी, कोई मजेदार सा गेम. एब्सोल्युटली. ओ यार, जब भी देखो तुम लोग खेलने कूदने की बात करते हो. ओए आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन. ओए दिल मिलाने की बात करो, दिल जोड़ने की बात करो. ओए बैठ के बात करो यार कुछ. तो हम ऐसा गेम खेलेंगे जो हम सब बैठ कर खेल सके. सिंपल है ना, वर्ड एसोसिएशन. वो क्या होता है भाई? हमें तो आता नहीं है. मैं एक वर्ड बोलूंगी या कोई भी एक वर्ड बोलेगा, और फिर आपके दिमाग में जो सबसे पहले वर्ड आएगा वो आपको बोलना है. लेकिन आप सोच नहीं सकते, सोचने का कोई टाइम नहीं है. नेहा, वैलेंटाइन, कार्तिक. Kartik's calling. Excuse me, guys. Finally, तुम्हें मेरी याद आ गई. ऐसा क्यों बोल रहे हो नताशा? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ख्याल मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता. तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम मेरे बारे में सोच सको? अब पहले मुझे कहने तो दो, अच्छे से अपनी बीवी को विश तो करने दो. Happy Valentine's Day, baby. Happy Valentine's Day to you too. और एक प्रॉमिस करो मुझसे, ये वैलेंटाइन हमारी लाइफ का पहला और आखिरी वैलेंटाइन है जो हम अलग अलग बिता रहे हैं. इसके बाद ये दिन हम हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करेंगे. I promise. पीयू की बारी है, पीयू मैं आपको वोट देता हूँ. चॉकलेट. ओके मामा जी, खूबसूरत. कटरीना क्या है? ओके नेहा, अब तुम बताओ. शादी, हनीमून, शक कभी नहीं होगा. माय टर्न. भाई यू विल आंसर. प्यार, प्रिया. प्रिया तुम्हारा फोन बज रहा है. हाँ वो मैं बाद में बात करती हूँ. कोई मुझसे भी तो पूछो. अच्छा चल तू भी बता दे. प्यार, राम. देखा आयशा को, अटेंशन सीकर, सब झूठ बोल रही थी, ऑल ड्रामा. प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम जानते हो कुछ भी कह रही थी वो. नेहा, मुझे आयशा के बारे में कोई बात नहीं करनी. जो है उसे वैसे ही रहने दो, प्लीज प्लीज. लेकिन मैं तो सबके साथ क्यों आई? मैम, आपके लिए कोरियर है. मेरे लिए? जी. इट्स फ्रॉम कार्तिक. Oh my God, that's so sweet. That's my favorite perfume. पता है हमारी पहली डेट पे उसने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था. सौम्या, this is for you. Thank you.
Nice, Aisha, अगर सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को तो तुम्हारी बात तुम्हें गिफ्ट के तौर पे आज क्या चाहिए? आपका मतलब अरे यार आज वैलेंटाइन डे है हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है तो योर टर्न टेल मी क्या दे सकता हूँ तुम्हें अब राम कपूर उससे बेटर गिफ्ट तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है अगर वाकई तुम्हें आज गिफ्ट के तौर पे राम कपूर चाहिए एक्सक्यूज मी अभी थोड़ी देर पहले आयशा ने हम सबको बहुत अच्छी स्पीच दी प्यार के बारे में रिश्तों के बारे में वेरी नाइस उस स्पीच से मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ इट वाज वेरी टचिंग तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज के बाद और उस स्पीच के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आयशा का हो गया Excited? Yeah, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं समझाता हूँ relax. तुमने अभी मुझसे कहा कि राम कपूर से ज्यादा अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है राइट तो डन तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है थिंक अबाउट इट तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम्हें चोट लगी याददाश्त खो बैठी हो तुम ऊपर से हमारी असलियत देखो इट्स नॉट रियली अ मैरिज दैट हैज अ फ्यूचर तुम्हारी जिंदगी इस वक्त काफी हार्ड है थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू तो मैं सब कुछ आसान करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आज से राम कपूर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा हाँ मेरी एक कंडीशन है मैं तो तुम्हारा हो गया लेकिन मेरी प्रॉपर्टीज मेरी जायदाद मेरा पैसा मेरा सब कुछ मैं प्रिया के नाम कर दूंगा एवरीथिंग इज रेडी ये देखो मेरे लॉयर्स ने सब कुछ ड्राफ्ट कर दिया है और मैंने बहुत नीट पैकेज में सब अरेंज भी कर दिया है इस पे साफ लिखा है कि आज के बाद मेरा सब कुछ प्रिया का हो गया और मैं तुम्हारा हो गया मंजूर है राम ये तो क्या कह रहा है बेटा गोलू ये तुझे क्या हो गया है भाई जज्बाती होकर आप ये कौन सा फैसला ले रहे हैं रिलैक्स यार आप लोग सब इतने ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हैं एक मिनट मैं कोई फैसला नहीं ले रहा हूँ फैसला तो आयशा को लेना है ना यार कम ऑन यू जस्ट हर्ट मी बोलो मेरी ये कंडीशन मंजूर है यू मीन ये सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम घर भी हाँ आई हैव टू बी फेयर नाउ अगर मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रहा हूँ जो तुम चाहती हो जैसे कि मैं तो फिर प्रिया को फाइनेंशियली सिक्योर तो करना पड़ेगा ना आफ्टर ऑल मेरी बेटी पीहू प्रिया के साथ ही तो रहने वाली है ना सो आई हैव टू मेक श्योर कि पीहू का फ्यूचर टोटली सिक्योर है और वैसे भी यार व्हाट इज द बिग डील तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा कि गिफ्ट के तौर में तुम्हें सिर्फ राम कपूर चाहिए राइट सो व्हाट इज द प्रॉब्लम तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए और मेरी प्रॉपर्टीज दुबई लंदन मेरी कंपनीज ये घर सब कुछ प्रिया को हो गया उसके बाद हम लोग कहीं और भी जाके रह सकते हैं व्हाट इज द बिग डील मतलब क्या है पागल समझाए क्या मुझे मतलब प्यार तुम दोनों करो एक दूसरे से तुम दोनों एक दूसरे के साथ रात गुजारो और
और मेरा एक्सीडेंट हो जाए और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम्हें तो सब कुछ याद है। हाँ याद है, सब कुछ याद है मुझे। इतना टाइम तक इतनी अच्छी एक्टिंग की, अच्छा बनने की, लेकिन मुझे क्या मिला? सब कुछ तुमने प्रिया के नाम कर दिया है। सुनो, एक काम करो, तुम्हें प्रिया के साथ रहना है ना, तुम जाके प्रिया के साथ रहो, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और तुम दोनों को जहाँ जाना है ना वहाँ जाके रहो। किस मिट्टी की बनी है तू आयशा? सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी मायने रखती है तेरे लिए? सुधीर जी एक बार, इस वक्त प्लीज आप कुछ मत बोलिए। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, मैं वो चॉइस जरूर पूरा करना चाहूंगा। अगर वाकई तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले एक सेकंड के लिए मुझे प्रिया से भी पूछना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। प्रिया, क्या तुम मुझे, सिर्फ मुझे, बगैर किसी चीज के एक्सेप्ट करोगे? अगर आप मेरे साथ हैं मिस्टर कपूर, तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है मुझे। आप मेरी जिंदगी हैं, और आपके अलावा मुझे ना कभी कुछ चाहिए था, न कभी कुछ चाहिए होगा। सोच लो मिसेस कपूर, जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। कितनी भी मुश्किल हो मिस्टर कपूर, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं हो सकती जितनी आपके बगैर थी। ये लीजिए, ये अब आपका हुआ। मिसेस कपूर, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.